हेलो, कैसी हो मायरा? मेरी इकलौती नंद। खैर तो है भाभी? जानती हो, आपने किसी काम की वजह से ही फोन किया होगा। प्लीज तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? भाभी, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ओ बीबी, मैं यहाँ पे कोई फालतू नहीं बैठी हुई हूँ, बाद में बात करते हैं। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि तुम घर में आ रही हो। ये आप पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? शायना पूछती नहीं है, सिर्फ हुक्म देती है हुक्म। मैं आप अपना हुक्म अपने पास रखिए, आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको। तुम होश में तो हो? पता भी है किससे बात कर रही हूं? तुम्हारी भाभी हूं मैं। जब आपको इन रिश्तों का लिहाज नहीं था तो मैं क्यों रखूं? और मैं आपसे पहले ही कह चुकी थी, मेरी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है, मेरा बाप से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फोन मत कीजिएगा, आप समझ रही हैं ना? तुम शायद एक बात भूल रही हो, जानती नहीं हो कि तुम्हारा क्या हासिल कर सकती हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ आपकी फितरत को, किस कदर हासिद और मुफाद परस इंसान है। अपने लिए तो शायद मैं आपको माफ कर भी दूं, लेकिन मेरी माँ के साथ जो आपने किया है ना, उसके लिए तो मैं आपको मर के भी कभी माफ नहीं करूंगी। मायरा, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे मुंह पर मेरा फोन बंद किया उसने। औरत की हसद कभी खत्म नहीं होगी।